गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम फ्रॉम लोकमान्य तिलक स्कूल. स्टूडेंट ऑफ क्लास फर्स्ट, टेक आउट योर मैथ्स बुक, टेक योर पेंसिल, ओपन चैप्टर नंबर 1, नंबर अप टू 10. ओके, क्या पढ़ेंगे हम लोग? नंबर अप टू 10. रीड विथ मी. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ओके, हाउ मेनी डॉग्स आर देयर? देयर आर 3 डॉग्स. 1, 2, 3. हाउ मेनी डॉग्स आर देयर बेटा? देयर आर 3 डॉग्स. हाँ स्टूडेंट्स, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी. हाउ मेनी डॉग्स आर देयर? देयर आर 3 डॉग्स. हाउ मेनी कैट्स आर देयर? देयर आर 3 कैट्स. ओके, हाउ मेनी हॉर्स आर देयर? हॉर्स काउंट करेंगे. 1, 2, 3, 4. कितने हॉर्स है बेटा? 4 हॉर्स हैं. हाउ मेनी हॉर्सेस आर देयर? देयर आर 4 horses. How many lines are there? 1 line, 2 line. How many lines are there? There are 2 lines. Okay. How many fishes are there? Fishes kitni hain? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kitni fishes hai beta? 9 fishes hain. How many cows are there? 1, 2, 3, 4, 5. How many cows are there? There are 5 cows. Okay. How many elephants are there? There is a single elephant. Only one elephant. How many birds are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. कितनी बर्ड्स हैं? 7 बर्ड्स. ओके, इसी तरह आप लोग डॉल्फिन्स को काउंट कर सकते हैं. इसमें आंसर दिया है, अपने से आप आंसर लिखिएगा. कितनी डॉल्फिन्स हैं? 8 डॉल्फिन्स हैं. हाउ मेनी मंकीज आर देयर? देयर आर ओनली 10 मंकीज. सब बच्चे फिंगर से काउंट करेंगे, पेंसिल से काउंट करेंगे. ओके, लुक एट द क्वेश्चन. लुक एट द फ्रूट बास्केट. ये क्या बनी हुई है? फ्रूट बास्केट बनी है. काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ फ्रूट्स इन वर्ड्स. वर्ड्स में लिखना है. ओके, नीचे जब पूछेंगे तो मैंगोस कितने हैं काउंट करेंगे. 1 मैंगो 2 3. बच्चों भी मैं मार्क करती जा रही हूँ. 4 5 6. इसको हम लोग ने नंबर्स में लिख दिया. 6 मैंगोस. हाउ मैनी बनानाज आर देयर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. कितने बनानाज हैं? 7 बनानाज हैं. बनानाज लिख दिए. इसी तरह हर फ्रूट को आप काउंट करके लिखेंगे. इसको मैं नहीं बताऊंगी, इसको आप खुद भी लिख सकते हैं. ठीक है, नंबर्स ऑफ फ्रूट्स उन्होंने पूछे इन वर्ड्स. नंबर ऑफ फ्रूट्स आप वर्ड्स में लिख लीजिए. ओके, ओपन नेक्स्ट पेज. अभी आप लोग सब समझ लीजिए, इसके बाद इसको आराम से बैठ के अपनी कॉपी में कंप्लीट करिएगा. काउंटिंग बैक. काउंटिंग बैक सबको आती है, बैकवर्ड काउंटिंग. रीड विथ मी. 10, 9,
एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू एंड वन. ठीक है, ये बैकवर्ड काउंटिंग है, इसको देंगे. हेल्प द रॉकेट लॉन्च बाय काउंटिंग फ्रॉम टेन टू वन. कलर द पिक्चर. ये रॉकेट है, वो लॉन्च होने वाला है. बैकवर्ड काउंटिंग चलेगी, टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन. ओके, ये बैकवर्ड काउंटिंग है. अब आप इसको कलर कर सकते हैं. बैकवर्ड काउंटिंग आपने मेरे साथ रीड कर ली है. नाउ आवर नेक्स्ट हेडिंग इज कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो थ्रो सब्सक्रिप्शन पैटर्न. जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग हम लोग काउंट करेंगे. फाइव, देखिए. ओके चिल्ड्रन, कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो थ्रो अ सब्ट्रैक्शन पैटर्न. सब्ट्रैक्शन पैटर्न से हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो क्लियर करेंगे. लिसन लर्न एंड सिंग दिस राइम. सुनिए, पढ़िए और लर्न करने के लिए. फाइव लिटिल कॉमेट्स विंकिंग एट मी, वन शूट ऑफ, देन देयर वर फोर. फाइव थे वो चल गए. फोर लिटिल कॉमेट्स विथ नथिंग टू डू, वन शूट ऑफ, देन देयर वर थ्री. थ्री लिटिल कॉमेट्स अफ्रेड ऑफ द सन, वन शूट ऑफ, देन देयर वर टू. टू लिटिल कॉमेट्स हैविंग नो फन, वन शूट ऑफ, दैट लेफ्ट वन. वन लिटिल कॉमेट फीलिंग अलोन, वन शूट ऑफ, देन देयर वर नन. ठीक है, देखिए, सब में फाइव में वन माइनस किया, फोर आ गया. फोर बचा, फोर में वन माइनस किया, टू वन. इसी तरह जब वन आउट ऑफ वन हुआ तो जीरो हो गया. द क्वांटिटी नन इज प्रेजेंटेड बाय न्यूमरल जीरो, रीड एज जीरो. ओके, अंडरस्टैंडिंग जीरो. ईच चाइल्ड शुड हैव नंबर कार्ड एज गिवन बिलो. सब बच्चों को नंबर कार्ड मिल रहा है जैसे कि नीचे दिया हुआ है. ये बच्चों एक्टिविटी. ऑल्सो गिव ईच प्लेंटी ऑफ काउंटर्स और बॉटम और कॉइन्स. नो कॉल आउट नंबर फ्रॉम जीरो टू फाइव. द चाइल्ड शुड प्लेस एज मैनी काउंटर्स बटन कॉइन्स ऑन द नंबर. फॉर एग्जाम्पल, इफ टीचर कॉल्ड आउट टू, then the child put two objects, okay, on the card number two. For zero, no object should be placed on card number zero. Zero number नहीं होता है, zero से starting करते हैं, but zero number नहीं है. Okay, एक्टिविटी नंबर टू. हेयर इज अनदर एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड नंबर जीरो. जीरो नंबर अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग अनदर एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे. द चिल्ड्रन मस्ट स्टार्ट एट द टॉप ऑफ स्टेयर्स. टॉप ऑफ स्टेयर्स से बच्चे स्टार्ट करेंगे. व्हेन वन इज कॉल्ड आउट, द चाइल्ड मस्ट जंप ऑन वन स्टेप डाउन. Then zero is called out. उसको कहा ही नहीं गया, कहा zero कहा गया. The child must stay where. अब जब zero कहेंगे तो zero में कोई आगे नहीं बढ़ेगा ना. If a child step down when zero is called out, the child is out of the game. ठीक है. In this way, the children should try to stay in the game until they reach the bottom of the stair.
ठीक है, इसको घर में इस समय सब बच्चे अपने मदर और फादर के साथ इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। नंबर लाइन, नेक्स्ट टॉपिक इज नंबर लाइन। यू कैन शो द नंबर ऑन अ लाइन, सच अ लाइन इज कॉल्ड नंबर लाइन। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द नंबर लाइन शोन बिलो इज जीरो। दिस नंबर इज लाइन शो द नंबर फ्रॉम 0 to 10। देखिए, 0 से स्टार्ट हुई, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, राइट द नंबर 0 to 10 ऑन द गिवन नंबर लाइन न्यूमरल एज वॉल। 0, देखिए 0 से लेके आपको कहाँ तक लिखना है, 10 तक लिखना है। कहाँ तक लिखना है, 10 तक, और नीचे सबके नेम लिखने हैं। राइट द मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर लिखना है। कौन 2 दिया है, 3 दिया है, कौन सा नंबर मिसिंग है, मैंने लिख दिया यहाँ पर, आप लोग अपनी बुक खुद से फिल करेंगे। 7, 8 दिया है, 9, 10 मिसिंग है, 5 और 6 दिया है, 5 दिया है, 6, 7 मिसिंग है, 8 है, 4 दिया है, 5, 6, 7 मिसिंग था। ठीक है, हाउ ओल्ड आर यू, रिंग द नंबर ऑन द लाइन। बच्चों आप लोग की एज कितनी है उस पे टिक करेंगे, जो 6 ईयर्स का है तो 6 को करेगा, जो 5 ईयर्स का है तो 5 को करेगा, और जो 7 ईयर्स ओल्ड है वो 7 को टिक करेगा। ठीक है, जितनी भी आपकी एज है आप उसको टिक कर सकते हैं, उसको आपको सर्कल करना है। बिफोर आफ्टर बिटवीन, क्या पढ़ेंगे हम लोग, बिफोर, बिफोर मीन्स पहले, बिटवीन सेंटर नंबर, दो नंबर के बीच में, आफ्टर उसके बाद का नंबर। द डॉग इज बिफोर द कैट, जो डॉग है ये देखिए कैट के बिफोर है। द कैट इज बिटवीन द डॉग एंड रैबिट, जो ये कैट है ये बिटवीन है किसके, रैबिट और डॉग के, क्या हो गई ये कैट बिटवीन हो गई, और एंड द रैबिट, रैबिट क्या हो गया उसके बाद वाला हो गया, आफ्टर हो गया। बॉबी इज बिफोर रितु इन क्यू, जो बॉबी है ये देखिए बॉबी नाम भी लिखा है, बॉबी जो है वो रितु के बिफोर है। रितु इज बिटवीन पारुल एंड बॉबी, ये देखिए पारुल और बॉबी के बिटवीन कौन खड़ी है आपकी, रितु खड़ी है। वेदांश इज आफ्टर पारुल, पारुल के बाद कौन है, वेदांश है। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड ऑफ नंबर, इस यही कॉन्सेप्ट जो है वो आपका अप्लाई होता है। जी 1, 2, 3, 4, अब 5 का बिफोर नंबर 4 है, और 5 का आफ्टर नंबर जो है वो 6 है। 5 का आफ्टर नंबर क्या हो गया, 5 का बिफोर नंबर 4 है, और 5 का जो आफ्टर नंबर है वो 6 है। इसी तरह 7 का बिफोर आफ्टर नंबर 8 है, और 8 का आफ्टर नंबर 9 है, 9 का बिफोर नंबर 8 है। ठीक है, 8 का बिफोर नंबर 7 है। इसी तरह 10 का बिफोर नंबर 9 है, और 9 का आफ्टर नंबर 10 है। इसको फिल करना है आपको। 8 इज जस्ट आफ्टर, किसके तुरंत बाद आता है, 7। 5 इज जस्ट बिफोर, 6 तुरंत पहले कौन सा आता है, 1 इज बिटवीन डैश एंड डैश, 0 और 2 के बीच में 1 आता है। 1 इज जस्ट आफ्टर 0, तुरंत बाद आता है, आफ्टर मीन्स बाद में। 4 इज जस्ट बिफोर 5, 4 किसके तुरंत पहले आता है, 5 के। अब बच्ची एक्सरसाइज मैंने इसमें की हुई है, लेकिन सब बच्चे अपने आप करेंगे।
3 एंड 6, राइट द नंबर बिटवीन 3 और 6 के बिटवीन नंबर, अब दो नंबर का गैप हो गया ना, तो 4 5, 0 एंड 3 1 2, 0 एंड 8 1 2, 3 4 5 6 7। बच्चों जस्ट पूछेंगे तो उसके तुरंत, जस्ट आफ्टर नंबर उसके तुरंत बाद वाला, जस्ट बिफोर उससे, 5 और 9 के बीच में 6 7 8, 4 और 10 के बीच में 5 6 7 8 9। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग अभी इतना ही पढ़ेंगे सब बच्चे। मैं नेक्स्ट क्लास में कॉपी वर्क देखूंगी, आप लोग को नंबर नेम दिए गए थे, सब बच्चों ने कर लिए होंगे। ठीक है, क्लास वन के डे वन शेड्यूल में आपका मैथ्स का जो भी वर्क है उसको आपको कॉपी में करना है। अब इसके नेक्स्ट पेजेस हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके चिल्ड्रन, गुड डे।